इसमें टोटल बुनकर बिरादरी, इसमें कोई दूसरा एक घर गौण है सिर्फ इस करीमुद्दीनपुर में, बाकी सब अंसारी और दो तीन घर नाई हैं जो कि इस वक्त बुनकर का काम कर रहे हैं। पहले तो हैंडलूम ही सब था, लेकिन सन 84 के बाद से यहाँ लूम आना शुरू हुआ और आज की डेट में सारे घरों में पावर लूम है। लोगों की आमदनी क्या है, जो जैसा माल चलाता है, अब हमारे वहाँ माल चलता था 30 रुपया 35 रुपया साड़ी 6 मीटर की होती है, 5.5 मीटर की, अब उस साड़ी से जो है कम से कम 8 साड़ी 5 साड़ी जिस तरह की लाइट मिले तो उससे 150-200 रुपये से ज़्यादा की कोई आमदनी नहीं है। और उसमें पूरा परिवार दरी भरना और सब जो है काम करना, औरतों को मिल करके पूरा परिवार मिल करके ही काम करना है। और आज की डेट में ये हालात है कि वो जो साड़ी 40 रुपया मिलता था सादा, वो आज 35-25 रुपया मिल रहा है। बस जीन अपन अपना आदमी किसी तरह से गुजार रहा है। वैसे तो सरकारी सहायता के नाम पर बहुत है यहाँ पे, लेकिन कोई भी एक आदमी या कोई कर्मचारी ऐसा बताए जो करीमुद्दीनपुर में कोई सरकारी सहायता दी गई हो। जब से लॉकडाउन हुआ है 72 रुपया बिजली का जो पैसा एक लूम पे जमा किया जाता था वो भी बंद हो गया, और आज अभी यहाँ जो है बुनकरों से 500 रुपया पर लूम पे मांगा जा रहा है और नहीं देने पे बिजली का बिल जमा नहीं हो पाएगा। किसी के पास कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास जब से ये आपका गृहस्थी और इसका जो है जब से कार्ड बना है पात गृहस्थी वाला, बहुत से ऐसे बेचारे बुनकर हैं जिनके परिवार में 7-7, 8-7 लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के, उनका आज तक कार्ड नहीं बना। अब लोगों के ऊपर कर्जा के अलावा कुछ बाकी नहीं है। जैसे जहाँ का लूम चला रहे हैं कुछ कारीगरों को उन्होंने मदद की जो मदद करने वाला आदमी है, जहाँ नहीं 1000 रुपया वो 500 रुपया दे करके किसी तरह से बस चल रहा है, अल्लाह भरोसे जो है।